नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, एक बड़ी बात यहाँ पर रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कही गई है और उनके जो वाइस प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी यहाँ पर मीडिया को बताया है कि आने वाले समय में वे 300 से ज़्यादा जो सुखोई SU-75 स्टेल्थ फाइटर जेट है उसको जो है एक्सपोर्ट करने का जो टारगेट है वो रखते हैं। और इस एक्सपोर्ट के टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने वियतनाम, इंडिया और अफ्रीका के कुछ देश है इन सब से जो बातचीत है वो शुरू कर दी है, ताकि आने वाले समय में जल्द से जल्द इनको इन देशों से जो सुखोई SU-75 फाइटर जेट है इसके ऑर्डर मिल सके। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है अपने आप में ऐसे समय में, जहाँ पर जो रशिया है उसको आज की तारीख में अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रगल है वो करना पड़ रहा है। तो उन्होंने इस पूरे इवेंट के दौरान यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो यहाँ पर भारत पर किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भारत अकेला यहाँ पर 100 से ज़्यादा जो सुखोई 75 एयरक्राफ्ट है उसको खरीद सकता है, और वे सुखोई 75 के एक्सपोर्ट के लिए भारत को एक बड़े मार्केट के तौर पर भी देखते हैं। तो जो मार्क्स 2021 एयर शो हुआ था, जहां पर इस एयरक्राफ्ट का जो प्रोटोटाइप है वो भी दिखाया गया था, तो वो 2023 में अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसे करेगा और इसके बाद 2025 से 26 में मास प्रोडक्शन के लिए जो है जाएगा। इस बीच उसकी जो टेस्टिंग है उसे भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यही जो सेम टाइमलाइन है वो आप सबको देखने को मिलेगी हमारे तेजस MK2 की। तो अगर हमको इतने एयरक्राफ्ट खरीदने ही पड़े तो हम या तो अपने तेजस MK2 को लेंगे या फिर उसकी जगह जो एडिशनल राफेल्स है उसके लिए भारत जाएगा। हम एकदम से नए एयरक्राफ्ट को यहाँ पर इंडक्ट नहीं करेंगे। और दोस्तों, इस सब के बीच आपको ये भी पता है कि जो रशिया है वो क्लेम करता है कि ये जो सुखोई SU-75 फाइटर जेट है इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो 25 से 30 मिलियन $ तक रहेगी। लेकिन दोस्तों, अगर इतनी कॉस्ट में भी भारत यहाँ पर 100 एयरक्राफ्ट लेगा तो यहाँ पर ये जो डील है ये लगभग $5 बिलियन को बड़ी आसान से क्रॉस कर जाएगी, जबकि ये 30 मिलियन में मार्केट में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। इसकी जो कॉस्ट है वो आराम से जो है 40 मिलियन को यहाँ पर क्रॉस कर सकती है। तो ये जो पैसा है इसको भारत अपने तेजस MK2 या फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एरोस्पेस सिस्टम है, उसमें लगाने को ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर करेगा, क्योंकि इससे पहले जो जर्मनी है वो भी F-35 की जगह अपना जो उनका खुद का यूरोफाइटर टाइफून है उसको यहाँ पर जो है उसकी जगह दे चुका है। हालांकि अकेले जर्मनी का यूरोफाइटर टाइफून नहीं है, उसमें अलग अलग देशों के जो है कंपोनेंट्स और साथ में वो एक जॉइंट वेंचर फाइटर जेट है। तो देखिए दोस्तों, इस सब के बाद भी जो सुखोई SU-75 है ऐसा नहीं है कि ये कोई खराब फाइटर जेट है। फाइटर जेट काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होने वाला है। इसकी जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस निकल करके आई है वे जितने भी आज की तारीख में 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है उनसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी है। और इस सब के बाद जो सुखोई SU-57 है उसमें लगी हुई BVR मिसाइल्स को ये फायर करने में सक्षम होगा। सुखोई SU-57 की जो टेक्नोलॉजी है उसी के ऊपर बेस करके इस एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है। तो इसी के चलते इसमें जो सुखोई SU-57 है उसके रडार एवियोनिक्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ में इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने वाला है, तो इससे भी इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। और इस सब के बाद इसमें जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा उसकी सर्विस लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होगी और उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम करनी पड़ेगी। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये सच में तेजस MK2, FA-50, JF-17 के जो एक्सपोर्ट है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज जो है बनकर के सामने आएगा, क्योंकि 2025 के बाद जो देश आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन पर स्विच करना चाहते हैं तो वे तेजस MK2 या फिर तेजस FA-50, JF-17 की जगह इस एयरक्राफ्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे अगर ये अच्छी कीमत में जो है मार्केट में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, अगर इतने एयरक्राफ्ट का भारत को अगर किसी विदेशी कंपनी को ऑर्डर देना भी पड़े तो वो डसॉल्ट को दिया जाएगा, क्योंकि राफेल के लिए हम पहले ही जो शेल्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेंटेनेंस फैसिलिटी है और उसकी जो ट्रेनिंग वगैरह है वो कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं तो अगर हम इस एयरक्राफ्ट के साथ जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा भारत को महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों, इस सब के बाद आपका क्या मानना है कि क्या ये केवल एक लॉबिंग का जो पार्ट था रशियन मिनिस्टर की तरफ से, तो आप सब कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। We'll be right back.